आपको सीधे लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस वक्त जारी है। और अपना दल के जिलाध्यक्षगण और गंगा यात्रा के स्वागत के लिए उपस्थित मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने आज यहां पर मां गंगा की निर्मलता के लिए जो प्रयास पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नमामि गंगे की परियोजनाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आभार व्यक्त करने और हम सब की धर्म से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा की साक्षी बनी भी मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आप भारी संख्या में मां विंध्यवासिनी के स्थान पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मां विंध्यवासिनी के स्थान में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मां विंध्यवासिनी के पवित्र धाम में दर्शन पूजन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। मां विंध्यवासिनी आदिशक्ति है, जगत जननी है, इस चराचर जगत की शक्ति का आधार मां विंध्यवासिनी है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ मां गंगा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ मां विंध्यवासिनी का एक पवित्र आंचल हम सबको अपने साथ समेट करके हमारे जन्म और जीवन को धन्य करती है। और आज मुझे आप सबके बीच में आकर के यहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा की इस यात्रा के लिए हमारे जो मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने जो यात्रा निकाली है, शंकर गिरी और अन्य पदाधिकारी जो निरंतर लगे हुए हैं, इन सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में यात्रा आपके इस विंध्यवासिनी धाम पर आई है। आपने जो स्वागत किया है, मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। आने के साथ ही यहां पर हम लोगों ने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमाओं का भी आज यहां पर अनावरण किया है। इन दोनों महापुरुषों का भारत के प्रति, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की एकता अखंडता के प्रति और भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान महापुरुषों ने किया है, यह योगदान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित के लिए आज उनकी मूर्ति के रूप में विंध्यवासिनी के पवित्र धाम पर हम सबको देखने को मिला है। मैं मूर्तिदाताओं को, श्री भुवनेश्वर तिवारी जी को और श्री अर्जुन सिंह पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इन दो महापुरुषों के भव्य प्रतिमा को मां विंध्यवासिनी के धाम पर लगा करके सदैव के लिए उनके कृतित्व को आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा के लिए स्थापित किया है। सचमुच मूर्तियों के साथ साथ दाताओं के भी नाम हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया है, इसलिए उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 27 जनवरी से यात्रा प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई। मैं बिजनौर में था और प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया बलिया में थी। दोनों ओर से यात्रा चली और यात्रा निरंतर पूरी भव्यता के साथ, जैसे भव्य कार्यक्रम यहां पर है ऐसे ही जगह जगह 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 की भीड़ हरेक स्थान पर पूरी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ करके नमामि गंगे परियोजना के लिए, इस योजना की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है और मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा है कि युगों युगों से नाता है, मां गंगा हमारी ये माता है और इस मां के संबोधन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हरेक नर और नारी, बुजुर्ग और बच्चे इस अभियान के साथ जुड़ करके मां गंगा की निर्मलता के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के ही मंशा भी थी। याद करिए, जब 2014 के प्रारंभ में उन्होंने वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना था, तब उन्होंने कहा था कि मैं कौन होता हूं आने वाला, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा ने इसीलिए अपने लिए बुलाया था कि मुझे लोगों ने अपने स्वार्थ का जरिया बना दिया है,
घरों का कचरा हो या फिर व्यक्ति की गंदगी, शहरों का कचरा हो या फिर औद्योगिक कचरा, ये सब के सब लोगों ने पूरी निर्ममता के साथ मां गंगा में उड़ेलने का कार्य किया। इससे पहले कि मां गंगा लुप्त होकर के इस पूरे धाम को, इस पूरे क्षेत्र को रेगिस्तान बनाती, देवयोग से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन इस धरती पर होता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे परियोजना में एक बार पुनः मां गंगा की निर्मलता के प्रति आम जन के विश्वास को जगाया है और उस विश्वास के साथ हमने ये भी तय किया है मां गंगा हमारी आस्था ही नहीं बल्कि मां गंगा हमारी अर्थव्यवस्था के आधार भी है और इसलिए मां गंगा के प्रति हम सब का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए गंगा यात्रा गांव गांव शहर शहर निकल करके हम गंगा में गंदगी नहीं करने देंगे, हम मां गंगा के आंचल को गंदा नहीं होने देंगे और गंगा की निर्मलता के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हमारे स्तर पर एक कार्य यहाँ पर युद्ध स्तर पर होगा, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं।